ओम शांति। अज 9/8/2023 की बाणी है। बाबा कहते ने मिठे बच्चे ज्ञान की धारणा उदों होगी जदों देही अभिमानी बनोगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों नूं बाप की याद रहेगी। अज बाबा ने अपने बच्चों नूं प्रश्न पूछा, किस एक भुल के कारण मनुखा ने आत्मा नूं निर्लेप कहा है? अज बाबा का उत्तर है, मनुखा ने आत्मा सो परमात्मा कहा। इस ही भुल के कारण आत्मा नूं निर्लेप मन लिया। पर निर्लेप तां इक शिवावा है जिसनों दुख सुख मिठे कड़बे का अनुभव नहीं। आत्मा तां कहती है फलानी चीज़ खट्टी है। बाप कहते हैं मेरे ते किसी भी चीज़ का असर नहीं हुंदा। मैं इना लेप चेप तो निर्लेप हाँ, ज्ञान का सागर हाँ, उही ज्ञान तुहानू सुणांदा हाँ। गीत है अज दा, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मावां ने कहा इना ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मैनू आत्मा नू ये शरीर मिलिया है, ता ही ते टाकी बनती हाँ। शरीर द्वारा अनेक तरह का कर्म करती हाँ। पहले ये निश्चय करना है, होर सत्संग विच मनुख नू सुनांदे है, देहधारी बोलते है, कहणगे फलाना महात्मा बैठिया है। इत्थे ये गल नहीं है, तुसी समझदे हो असी तां आत्मा हाँ। ये शरीर रूपी ऑर्गन्स है। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे है सुनने लई। कौन सुनांदे है? बेहदा बाप। जदों परम पिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग उपर चला जाता है। शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। पर उन्होंने परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता, वो बाप होया अते आत्मा बच्चे ठहरे। समझना है कि असी आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हाँ। तुसी बच्चियां नू देही अभिमानी बनना पे। होर सब जगह मनुख नू समझांदे है। कोई गीता पाठी हुंदा है, वह भी गीता नू याद कर कहणगे गीता विच भगवान ने इवें इवें कहा है। समझदे है भगवान ने साकार विच एक गीता सुनाई सी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनांदे है, वेद तां मनुखा ने रचे है। निराकार भगवान वेद नहीं बनाणगे। व्यास दा मनुख सी, व्यास नू परमात्मा नहीं कहांगे। परम पिता परमात्मा तां बिंदी है, बच्चे साकार विच है, साकार रूप है। बाप ते है निराकार। बाप कहते हैं मैनू तां कदी छोटा वड्डा नहीं बनना है, तुसी छोटे वड्डे हुंदे है। मैनू तां कहते ही है परम पिता, मनुख पहले बालक बन फिर वड्डे हो जां, बाप बनांदे है फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हाँ, मैं बालक नहीं बनता हाँ। मेरा एक नाम शिव है, थोड़े 84 नाम पैंदे है क्योंकि 84 जन्म लेंदे है। मैं परम पिता ता बिंदी रूप हाँ। सिर्फ पूजा दे लई भगती मार्ग बालिया ने वड्डा रूप बना के रख्या है। जिमें किसी का वड्डा चित्र बनाते हैं ना, बुद्ध का बहुत वड्डा चित्र बनाते हैं। इन्ना लंबा मनुख तो हुंदा नहीं, ये मान दिंदे है, समझदे है बहुत वड्डा सी। बाप ते ऊंचे ते ऊंचा है, बड़े ते बड़ा परम पिता परमात्मा परम आत्मा। बाप अपना परिचय बैठ दिंदे है, मैनू शिव कहिंदे है। बच्चियां नू समझाया जाता है, तुहानू समझना है। असी निराकार शिवावा दे समुख जाते हाँ। मैनू तो हमेशा परम पिता परमात्मा ही कहणगे। मनुख सृष्टि का बीज रूप है, परम आत्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा नू ही नॉलेज है, गाँवे भी है। परम पिता परमात्मा मना परमात्मा वो ज्ञान का सागर है, सानू ज्ञान सुना रहे है। पहले पहले आत्म अभिमानी होना चाहिदा है, देह अभिमानी नहीं बनना है। पर ड्रामा अनुसार थोनू दे अभिमानी बनना ही है। हुण फिर बाप देही अभिमानी बनाते हैं।
तुसी सब बच्चे हो, यह भी बच्चा है। आत्मा परम पिता परमात्मा दादे दे कोलों वरसा लैंदी है। लौकिक संबंध विच सिर्फ बच्चियां नूं ही वरसा मिलदा है, कन्या नूं नहीं मिलदा है। बेहद दा बाप कहिंदे है तुसी सब आत्मावां है, थानूं हर एक नूं हक है, तुसी मुझ परम पिता परमात्मा दे सी अते है। कहिंदे है ना ओ गॉडफादर, ओ परम पिता परमात्मा महिमा करदे है। कौन करदे है? आत्मा। और लौकिक फादर दा शरीर ता है, ए है आत्मावां दा बाप। आत्मा बुलांदी है ओ परम पिता परमात्मा, अविनाशी बाप नूं याद करदे ही आए हैं, क्योंकि रावण राज विच दुख ही दुख है। जदों तो रावण राज शुरू हुंदा है उदों तो याद करना शुरू हुंदा है। याद ता बाप नूं ही करना है, क्योंकि वरसा बाप कोलों ही मिलना है। इत्थे तां तुहानूं मनुखां नूं बहुतियां दी याद रहिंदी है, गुरु लोग एक दी याद भुला दिंदे है। जेकर सर्वव्यापी है तां फिर गॉड जां फादर किस नूं कहिए? बाप घड़ी घड़ी कहिंदे है बच्चे देही अभिमानी बणो, उठते बैठते मैनूं याद करो। समझो असीं श्री मत्ते चल रहे हाँ, मैं आत्मा खा रही हाँ बाबा दी याद विच। याद नाल विक्रम विनाश होणगे, मंजिल है बड़ी भारी। योग कोई मासी दा घर नहीं है, मनुखां ने ते बाप दा नाम ही प्राया लोप कर दिता है। श्री कृष्ण तां बच्चा ठहरिया, इन्नी वड्डी परलब्ध जरूर बाप ने ही दित्ती है। बाप समझाउंदे है दे सहित दे दे सब धर्म भुल जाओ, ए नाम ते सब याद विच रख गए है। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਦ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਐਵਰ ਸੱਚਾ ਸੋਨਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਇਰਨ ਏਜਡ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਬਰੋਬਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਾਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਧਾ ਕਲਪ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਸਭ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ। ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਪਕ ਹੈ ਸਭ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਬਾਪ ਦੀ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਧਾਮ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਧਾਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਇਹ ਨਰਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਰਚਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਦੋ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਨੰਬਰਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਪਰਾਇਆ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਤਿਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਬਾਪ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
उन्हां दे चित्तर भी है पर समझदे नहीं कि देवी देवता धर्म कदों सी, किसने स्थापन कीता। सतयुग की उम्र ही लंबी कर दिती है। हुण बाप कहिंदे है, बच्चे अपने नूं आत्मा समझो, बाप नूं याद करो। हुण खेल पूरा हुंदा है, देखदे नहीं है। हुण मुक्ति जीवन मुक्ति दे गेट्स खुल रहे है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तां एक ही है। इत्थे तां देखो जगत माता दा टाइटल भी कोई कोई नूं दिंदे रहिंदे है। असल विच जगत अंबा इह है ना, इवें कोई भी नहीं होवेगा जो जगत पिता भी होवे, शिक्षक भी होवे, जगत गुरु भी होवे। भावें मनुख अपने दे नाम बहुत रखवांदे है पर है नहीं। किथे ओ लक्ष्मी नारायण, किथे ए वेकारी भी अपने उपर टाइटल रख देंदे है। मनुख किन्ने बुद्धू बन गए है। आदि सनातन देवी देवता धर्म नूं भुल, उन्हां दे टाइटल फिर अपने नूं दे देंदे है। असल विच ऊंच ते ऊंच मर्तबा तां इक दा ही है, सदगति दा तां इक ही है। राम कहो तां वी ओ इक ही निराकार ठहरिया। बाप कहिंदे है, भारत वासियां नूं अपना धर्म दा पता नहीं, कदों अते किसने स्थापन कीता। कोई किसी देवी नूं याद करदे, कोई श्री कृष्ण नूं, कोई गुरु नूं याद करदे। गुरु दा फोटो भी लगा दिंदे है। थोड़ा चित्तर नाल कम नहीं, जिसका कोई चित्र नहीं वह है बचित्र। आत्मा बचित्र है, जिमें बाप बचित्र है उमें बच्चे भी बचित्र है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ने यह तन लौन लिता है। कहते हैं प्रकृति दे आधार बिना मैं ज्ञान किमें दवांगा, राज जो किमें सिखावगा। भगवान निराकार नूं ही कहा जाता है, उन्हां नूं आना है ए पातित दुनिया विच। श्री कृष्ण नूं दिखाउंदे है कि पिप्पल दे पत्ते ते सागर विच आया, इवें दी कोई गल नहीं है। श्री कृष्ण तां फस्ट प्रिंस है विश्व दा, उत्थे होर कोई धर्म नहीं। अद्वैत राज है, फिर द्वैत हो जांदी है, फिर अनेक प्रकार दे धर्म स्थापन हुंदे जांदे है। तां बच्चियां नूं इह समझणा है कि बाबा इस शरीर विच आके सानू पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं अश शरीरी हाँ, इस शरीर द्वारा थानू ज्ञान दिंदा हाँ। मैं हाँ ज्ञान दा सागर, यह सब गल्लां बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर अते परमात्मा कहण नाल बाप दा संबंध भुल जाता है। परमात्मा बाप है, उन्हां कोलों वरसा मिलता है, ये भुल जाते हैं। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਚਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਹੱਦ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਐਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਾਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡਰਫੁਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨੌਲੇਜਫੁੱਲ, ਜਾਣੀ ਜਾਣਨ ਹਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਥਾਟ ਰੀਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਭ ਦਾ ਥਾਟ ਰੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗਾ? ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੈਤੰਨਯ ਹਾਂ, ਸੱਤ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਚੈਤੰਨਯ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅਸੱਤ ਹੈ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਆਤਮਾ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੜਵੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੇਪ ਚੇਪ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਟਾ ਖਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ,
जो आत्मा नूं पढ़ांदा हाँ। तुसीं हर एक नूं समझाउणा है, असीं आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हाँ। इत्थे तां बरोबर भगवान नूं वाच है, निश्चय करना चाहिए, गॉड क्रिएटर इज वन। पहले पहले मुख्य गल है भारत दी, भारत नूं अविनाशी खंड कहा जाता है। ये भारत है बर्थ प्लेस पातित पावन बाप दा, ये बहुत ऊंच खंड है। इत्थे लक्ष्मी नारायण दी राजधानी होवेगी। ये तुसी जानते हो कि बाप फिर तो देवी देवता धर्म दी सैपलिंग लगा रहे है। जो इस धर्म दे होणगे वो आके वर्षा लैणगे। इस नूं सैपलिंग कहा जाता है, बाबा ने समझाया है, देही अभिमानी बनना है। बाबा सानू पढ़ा रहे है, असी इन्हां कन्नां द्वारा सुनते हाँ, पढ़ते हाँ, पढ़ाते हाँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नूं नमस्ते। धारना लई मुख्या सार नंबर एक पर चित्तर नूं पुल विचित्र बन, विचित्र बाप नूं याद करना है। देह सहित देह दे सब संबंधा नूं बुद्धि नाल भुलना है, देही अभिमानी हो रहण दा अभ्यास करना है। नंबर दूजा, देवी देवता धर्म दा सैपलिंग लग रहा है, इस लई पावन जरूर बनना है, दैवी गुण धारण करने है। वरदान है अज दा अलौकिक जीवन दी समृति द्वारा ब्रिति समृति अते दृष्टि दा परिवर्तन करन वाले मर जीवा भव। अलौकिक जीवन दी समृति द्वारा ब्रिति समृति अते दृष्टि दा परिवर्तन करन वाले मर जीवा भव। आज बाबा आखदे ने ब्राह्मण जीवन नूं अलौकिक जीवन कहिंदे है। अलौकिक दा अर्थ है इस लोक जिवें नहीं, दृष्टि समृति अते ब्रिति सब विच परिवर्तन हो। सदा आत्मा भरा भरा नूं ब्रिति अते भरा भैण दी ब्रिति रहे। असी सब आपस विच एक परिवार दे हाँ, ये ब्रिति रहे। अते दृष्टि नाल भी आत्मा नूं देखो, शरीर नूं नहीं। तां कहेंगे मर जीवा, अजिही श्रेष्ठ जीवन मिल गई तां पुराणी चीज याद आ नहीं सकदी। स्लोगन अज दा, सदा शुद्ध फीलिंग विच रहो तां आशुद्ध फीलिंग दा फ्लू पास भी नहीं आ सकदा। सदा शुद्ध फीलिंग विच रहो तां आशुद्ध फीलिंग दा फ्लू पास भी नहीं आ सकदा। चंगा, ओम शांति।